नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। उत्तर प्रदेश में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। खबरें सामने आई हैं कि 7000 से ज्यादा आवेदकों ने कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए आवेदन किया है। ये देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की लगातार मेहनत और प्रियंका गांधी जिस तरह पार्टी में फेरबदल कर रही है, उसको देखकर अब उत्तर प्रदेश में बदलाव होता नजर आ रहा है। इसे चुनाव से पहले प्रियंका की जीत बताया जा रहा है। इतने बड़े स्तर पर जो पार्टी की टिकट को लेने के लिए दावेदार आगे नजर आ रहे हैं, इसका साफ मतलब यह है कि वाकई उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है। हालांकि यह देखा जा रहा है कि पार्टी के जो तमाम नेता हैं, वो अपनी अपनी योग्यताओं को साबित कर रहे हैं, और योग्यताओं को साबित करने के साथ साथ वो टिकट लेने के लिए भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में देखा गया था कि कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने 40% टिकट महिलाओं को देने का मन बनाया था, यानी कि 40% टिकट देने का ऐलान प्रियंका गांधी ने जो किया, उसका असर अब दिखता नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी पहले ही कह चुकी हैं कि जनता की सेवा करना और जनता के लिए काम करना ही उनका सबसे पहला काम है। तो यहां पर जनता के लिए जिस तरह प्रियंका गांधी ऐलान कर रही है, युवाओं के लिए जिस तरह ऐलान कर रही है, इसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो ऐलान कर रही है, इसे देखकर उत्तर प्रदेश की जनता का रुख वाकई बदल रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो अचानक 7000 से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं, वो टिकट लेने के लिए सामने आए हैं, ये बताता है कि प्रियंका गांधी की मेहनत अब सफल होती नजर आ रही है, और जनता का जुड़ाव देखकर सत्ता पक्ष के होश उड़ते नजर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।